तो दोस्तों अभी वहाँ पर हम लोग मछली ले चुके थे, अब आ गए यहाँ पर बनाने के लिए। तो हेलो फ्रेंड, अभी हम आए हुए हैं नदी किनारे। जैसे कि आप इस नदी को मैं हमेशा दिखाया हूँ, पुनपुन नदी के, और जो इस समय पानी यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर देखिए मछली भी लोग मार रहे हैं, और मैं वहाँ का आपको वीडियो दिखाता हूँ। चलते हैं तो कैसा मछली वहाँ मिल रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग खाते होंगे तो मज़ा आएगा। और ख़ास करके जो अभी पानी जो बाहर से या सोन से जो आ रही है, समझें तो वो जो पानी जो होता है बिल्कुल लाल रेड कलर का है। और मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि मछली कैसे लोग पकड़ रहे हैं, और वो ख़ास करके जाल में, यहाँ देखिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मछली जो है से नेट पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। और कुछ जो है से दो तीन चार मछली जो है से यहाँ पर फंसा हुआ है, और आपको हम पूरा क्लियर दिखाते हैं। और कुछ लोग जो है से जाल को भी बुन रहे हैं, यानी बना रहे हैं, और आपको साइड में हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन मछली यहाँ पर है। तो देख लीजिए, अरे करीब अभी नज़र आ रहा होगा आपको, जो अभी जाल में ही मछली फंसी हुई है, मछली जल की रानी है शायद आप सुने होंगे, और इसको अब इन लोग निकालेंगे। देखिए बहुत बारीकी से इसको निकाला जाता है कि बहुत सारे जो खरपतवार जो होते हैं इसमें फंस जाते हैं। और यहाँ देखिए, और ये देखिए एक मछली निकल चुकी है जो जाल से, और यहाँ देख रही कौन सा मछली है भैया, कौन सा है? रेहू का बच्चा है ये। अच्छा अच्छा, देखिए रेहू का बच्चा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए अभी पूरा जाल में फंस चुका है, और इसको निकाला जा रहा है। मतलब अभी जो है से मछली कम निकल पा रही है, ज़्यादा नहीं निकल पा रही है पहले की अपेक्षा, है ना? ये देखिए, और उसके बाद एक और मछली यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो उसको भी हम आपको दिखाते हैं अभी, क्योंकि ये बारीकी से अपना जाल को, नेट को खींच रहे हैं, और काफ़ी तेज़ी से भी खींचते हैं क्योंकि फंसने का डर रहता है। फिर दोबारा ये जाल को जो है से नदी की तरफ डालेंगे। अच्छा अच्छा, कैसे किलो ये बिकेगा? 300 रुपये किलो। अच्छा 300 रुपये किलो बिकेगा। अच्छा 300 रुपये किलो अगर ये लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। चलिए, आप ये जो मछली, ये कौन सा मछली है? ये टेंगरा मछली है। ये टेंगरा है, वो नबामे है। अच्छा ये, और यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ा है मछली, आप ही देख लीजिए कौन सा मछली है भैया। ये बामी है, ये देख लीजिए, आपको बहुत ही काफ़ी नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बामी मछली है। झींगा भी पकड़ते हैं। यहाँ पर जो है ऐसी टेंगरा है ना, ये टेंगरा मछली है। तो ये सब मैंने 300 रुपये किलो ही मिलेगा, 300 रुपये किलो ही मिलेगा। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप जो देख रहे हैं शायद एक पुल आपको नज़र आता होगा, और पुल देखिए, ये पुल जो है से पहले डूब चुका है, उस पर हम कई वीडियो बना चुके हैं, आप देखे भी होंगे। और साथ में हमारे दोस्त हैं किशु जी, यहाँ पर हैं मास्क लगाए हुए, इधर शंकर जी हैं, और आगे हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर जो आप देख रहे हैं मछली का मार्केट लगा हुआ है, मुर्गा जो होता है वो सब का सारा मार्केट लगा हुआ है। देखते हैं कि वहाँ पर आज हम लोग कुछ खरीदने वाले हैं, तो ऐसे तो मैं नहीं खाता हूँ, पर हमारे दोनों दोस्त जो हैं किशु जी और ये दोनों खाते हैं, तो इनके लिए ख़रीद लेते हैं और इसको बनवाते हैं, पूरा इन लोग खाएँगे, इंजॉय करेंगे, आप देखिएगा। और हम आ चुके हैं अभी मछली मार्केट में, और आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मछली, आपको काफ़ी नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ।
और काटना ना पड़ेगा। देख लीजिए मछली जो है, और ये जिंदा मछली है, अभी इसको निकाला भी जा रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी वहाँ पर हम लोग मछली ले चुके थे, अब आ गए यहाँ पर बनाने के लिए। और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना क्या रेट है, इसके बारे में आज हम सीख रहे हैं। अगर आप मछली भूंजने का लेते हैं, एक किलो का कितना लगता है? 60 रुपया आपको लगेगा एक किलो का, और आधा किलो का वही आपको 30 रुपया लग जाएगा। अगर रस्सा लगा कर करना होगा मछली में तो आधा किलो 40 रुपया, एक किलो 70 रुपया। अगर आप रस्सा लगाते हैं मछली में तो आपको आधा किलो को 40 रुपया लगेगा, और एक किलो का आपका 80 रुपया लगेगा। 70 रुपया लगेगा। और मीट का क्या है रेट? 120 रुपया मीट का है, मैंने रस्सा है कि बिना रस्सा के? अच्छा, उसमें आप रस्सा उस्सा डलवा उला कर, मतलब 120 रुपया आपको लगेगा। और देखिए यहाँ पर लोग बना रहे हैं, और हमने मछली यहाँ पर बनवा रहे हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं। और आप अगर खाना चाहते हैं, घर पर नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप आइए यहाँ पर, आप आराम से बना सकते हैं, खा सकते हैं, और अपने दोस्तों को साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम आगे आपको दिखाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर बन चुका है मछली हम लोगों का, और यहाँ पर देखिए शंकर भाई खा रहे हैं। दिखाइए शंकर भाई, अरे पीस तो दिखाइए, लोगों को दिख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा पीस। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग का मछली बन चुका है। शंकर जी दिखाइए तो पीस, दिखाइए पीस। और देखिए किशोर जी भी दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, मज़ा आता है दोस्ती के साथ पार्टी उटी मनाने में, बहुत ही अच्छा लगता है, और यह यादगार पल होता है ना। और हम आपको अब नज़दीक से दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग इतना सारा खा चुके हैं, और इतना पार्सल भी हो चुका है, समझिए बहुत चाव से खा रहे हैं शंकर जी हमारे। शंकर जी तनी खा के दिखाइए, अरे वाह अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है शंकर भाई? बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है ना। चलिए घर से अच्छा है, है? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब उसके बाद देखिए किशु जी कांटा निकाल रहे हैं, और कांटा निकालने के बाद ये क्या करेंगे, खाएंगे। चलिए देख, अरे देखिए इस तरह से। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह से आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप घर में नहीं खाना चाहते हैं मीट मछली या नहीं बनता है, तो आप मार्केट में पता कर ले, और वहां जाके आप बनवा सकते हैं। हमने पूरा रेट आपको बता दिया है। तो बाय बाय दोस्तों।